सभी दुआओं से संपन्न इच्छा मात्रम अविद्या खुशहाल पवित्र बाप के पैगंबरों को वॉर्ली मॉर्निंग और नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। बाबा की मीठी मीठी मुरली की धुन सुनकर सदा मन हर्षाता है। ज्ञान और योग यही आत्मा को संपन्न संपूर्ण बनाता है, चक्रवर्ती राजा बनाता है। तो ऐसा ज्ञान योग सिखाने वाले बाप से कितनी ना प्रीत हो। आज एक बहुत ही रोचक बात बाबा कहते हैं कि सतयुग में रावण की और बाबा की है नो एंट्री। सुखधाम में सिर्फ बाबा के बच्चे ही अलाउड हैं, तो हमें अपनी सीट बुक कर लेनी है, लिमिटेड सीट्स हैं। एक बार जो मृत्यु लोक से निकल गए तो बस अब यहाँ लौटना नहीं है, मन बुद्धि भी अब यहाँ नहीं भटकनी चाहिए। तो आज नई दुनिया की झलकियाँ देखेंगे। बाबा समझाते हैं निडर और निर्भय होकर सत्य ज्ञान सभी को सुनाना है, योग युक्त होकर समझाना है। आज तारीख है 11/10/2024, 11/10/2004। तो एक मैं और एक मेरा बाबा, बस और किसी से दो चार अब नहीं होना है। तो सुनते हैं फर्स्ट डिवीजन में आने की युक्तियां। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कल भी कहा ना बाबा ने कि उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। आज भी बाबा कहते हैं याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनना है। ये ज्ञान बुद्धि में मन में चलता ही रहे घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी। और हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, सृष्टि चक्र के ज्ञान का सिमरण करेंगे मंथन करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। एक समय पर पूरे विश्व में एक ही राजा, चक्रवर्ती राजा। प्रश्न है किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? कौन से बच्चे कौन से मनुष्य हैं जिनकी प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? बाबा कहते उत्तर में जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। बाबा कहते हैं जो रौरव नरक में मनुष्य आत्माएं हैं जो भगवान के और भी बच्चे हैं वो विकारों से यदि उनकी प्रीत है विकारों से मोह है
विकारों में रस आता है तो फिर उनकी बुद्धि बाप में नहीं लग सकती, उनका प्यार भगवान से नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। बाबा कहते तुम बच्चों ने मुझे पहचाना है इसलिए तुम हो प्रीत बुद्धि। दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? उत्तर है, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। अकाल मृत्यु नहीं होती ना, तो काल नहीं आ सकता और बाबा भी नहीं आते हैं। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। देखो अनलिमिटेड बाप कह रहे हैं, बेहद के बाप कह रहे हैं कि मैं भी लिमिट में हूँ, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें सुखधाम में जाने के लायक बनाता हूँ लेकिन मेरी लिमिट है, उसके बाद मैं शांति धाम में ही रुकता हूँ। रावण को भी आने का हुक्म नहीं है और मुझे भी नहीं है, लिमिट है बाबा की। बच्चों ने कहा था ना कि बाबा आप सतयुग में आइएगा, तो बाबा ने कहा एक बार, अच्छा तुम वहाँ जाके हमें निमंत्रण देना, फिर सोचेंगे। तो काल नहीं आ सकता, रावण नहीं आ सकता और बाबा कहते हैं मेरे को भी लिमिट मिली हुई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो, अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए, जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम, बाप ने आकर हाथ पकड़ा है। हमने पकड़ा है हाथ बाबा का, बाबा की श्रीमत है हाथ, तो श्रीमत पर चलते रहेंगे, माना कि बाप का हाथ पकड़ा हुआ है। तो हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना, विषय सागर से क्षीर सागर में लेकर जाते हैं। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो, अंदर में यह आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है, इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। याद की यात्रा से पाप कटेंगे तभी हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे, तभी हम सतयुग में जाएंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं, बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है, हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुंचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ, बस बाबा आते हैं बच्चों को शांति धाम अपने घर तक ले जाते हैं और सतयुग के लायक बना देते हैं। बाबा कहते हैं माय जॉब इज डन, काम पूरा हुआ, मिशन कंप्लीट। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने, पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं। भल घूमो फिरो कोई भी काम काज करो, बुद्धि में यह याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है, योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे, अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, सर्वोत्तम मत, सर्वश्रेष्ठ मत, श्रीमत, ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। योग अक्षर कहते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे मूझ जाते हैं, कैसे योग लगेगा, क्या करें, भारी शब्द लगता है, इसलिए बाबा कहते हैं बस याद करो। याद तो इजी है ना, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है, वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं, इसमें तो शरीर का काम ही नहीं।
शरीर के अंदर मैं आत्मा अकाल तख्त पर भ्रिकुटी के मध्य में अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, ये याद रहे। और फिर बाबा को याद करना है तो ये है यात्रा, याद की यात्रा। तो बाबा कहते हैं इसमें तो शरीर का काम ही नहीं है, आत्मा जानती है, हम आत्माओं का वह स्वीट घर है, बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह है यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है, बाप आते ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है, बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं, हमको इस मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आना है, बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं, अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे, बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। बाबा ने प्रतिज्ञा की है कि बच्चों को पावन बनाऊंगा और लेकर घर तक जाऊंगा, पहुंचाने ही है वहां पे। अब बच्चे कौन सा रास्ता चुनते हैं, योग बल या सजा बल, ये बच्चों पर निर्भर करता है। तो बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं, सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए, यथार्थ याद चाहिए ना, ज्ञान पर आधारित हो याद। तो ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना, ज्ञान रत्न है ये। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, बुद्धि में यह ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़े, बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है क्योंकि वह इनको जानते नहीं हैं। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है क्योंकि वह इनको जानते नहीं हैं। तो क्या करते हैं सन्यासी, ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, वो कहते हैं ना ब्रह्म ही परमात्मा है, ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। तो बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं, पहले तो घर जाना है, यह है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। जगह जगह तीर्थ यात्राएं की, ढूंढा मन बुद्धि को फिराया, लेकिन फिर भी देखो बाबा से तो दूर ही रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं, कितने चक्कर लगाए हैं, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं, पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है, हाँ ट्रैवलिंग करते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल करना है। तो बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है, वहाँ काल होता नहीं जो किसको ले जाए, काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का, रावण की तो यह पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। उस दिन बाबा ने कहा ना कि रौरव नर्क में, कुंभी पाक नर्क में मुझे निमंत्रण देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं, मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ, तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो, सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं। कई सन्यासी तो देखो एक बार घर से निकले जो फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखते।
बाबा कहते ड्रेस बदल लेते हैं, जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं ना, राख मल लेते हैं तो रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं। एक्टर्स की बात कर रहे हैं ना बाबा, देखो जो हद के नाटक में पार्ट करते हैं, रामलीला वगैरह में देखा है ना, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, तो यह भी रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसे बातें होंगी। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने, आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, उन्होंने बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में हैं, जगन्नाथ का मंदिर है, खजुराहो जगन्नाथ ये सब में देखो देवताओं के कैसे चित्र दिखाए हैं, कैसी मूर्तियां बनाई हैं। यूं तो उनकी राजधानी थी जो खुद विश्व के मालिक थे, वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं, इस जगतनाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते, देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं, वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, ये भगवान ही पूज्य और भगवान ही फिर पुजारी बन जाते हैं, आप ही सुख देते हो आप ही दुख देते हो, हाँ विरोधाभासी बातें करते हैं भगवान के लिए। बाप कहते हैं मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूँ, यह तो समझ की बात है, बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, हाँ कहेंगे भगवान ने बच्चा दिया तो खुश हो गए, अब ले लिया तो फिर भगवान को कोसते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, कहेंगे भगवान ने दुख दिया, अरे यह अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है, मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती। सत्यों को कहा जाता है अमर लोक, इनका नाम ही है मृत्यु लोक, अकाले मर पड़ते हैं, वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है, बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है, यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना, हाँ कोई कोई मनुष्य है देखो 120 साल 110 साल, खान पान अच्छा है, सेहत अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छी है तो लंबी आयु पा लेते हैं, तो बाबा कहते हैं लेकिन ये स्वर्ग तो नहीं है ना, कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी होती है, अब जितना जिएंगे उतनी विकार, तो बाबा कहते हैं जैसे झाड़ से टाल टालियां निकलती हैं, 50 टालियां और उनसे और 50 निकलेंगी, कितना वृद्धि को पाते हैं, हाँ जनसंख्या गणना करते हैं उतनी दिन देर में तो देखो और कितने पैदा हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे हैं, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, कोलकाता में है ना बैनियन ट्री, तो यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे, बाप ही आकर यह सब बातें समझाते हैं, कभी सोचा ही नहीं ना कि कितने लाख साल का, कितने लाखों वर्ष का क्या एक कल्प हो सकता है, बस जो सुना सुन लिया, बाबा कहते हैं पहले तुम बस सुनते आए कभी सोचे भी नहीं, तो बाबा आकर सब बातें समझाते हैं, तुम अभी बाप को भी जान गए हो और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सबको जान गए हो, नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है यह कोई नहीं जानते, अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है, घूमो फिरो परंतु इस याद की यात्रा में रहो, यह है रूहानी यात्रा, नित्य चलनी है, रोज चलनी है, निरंतर चलनी चाहिए, श्वासोश्वास बाप को याद करना है, तो बाबा कहते हैं भले ही घूमो फिरो कुछ भी करो लेकिन बाबा को याद करो, रूहानी यात्रा,
तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे, बहुत बार यात्रा की होगी जो पक्के भक्त होंगे। दादा लेखराज जी हाँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो कितने गुरु किए, 12 गुरु किए, कितनी यात्राएं की, धार्मिक कार्य किए, तो बाबा कहते हैं पक्के भक्त होंगे। बाबा ने समझाया है एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतो प्रधान है, मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना। चलो देवताओं की करें तो समझ में आए क्योंकि पवित्र आत्माएं हैं और तन भी पवित्र है, लेकिन कलयुगी मनुष्य को देखो पूज रहे हैं, तत्वों को पूज रहे हैं, पत्थर ठिक्कर को पूज रहे हैं, जानवरों को पूज रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, वह तो पावन है, फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का, जिन्न की भी कहानी बताते हैं ना। जिन्न ने बोला मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो उसको बोला सीढ़ी चढ़ो उतरो, है ना, बाबा को याद करो, सीढ़ी के चित्र को ही देख कर याद करो ना कि हम क्या थे और क्या से क्या बन गए। तो बाबा कहते हैं यह सब दृष्टांत आदि इस समय के ही हैं, सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो, यहाँ के ही सब दृष्टांत हैं। सब बातें यहीं से ली गई हैं, समझाने के लिए कहानियाँ बना दी हैं। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो, यह तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, किसी भी देवी देवता की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता है। जगदीश भाई कहते थे ना माथा टेकते टेकते टिप्पड़ घिस गई, गंजे हो गए, पाल उड़ गए, तो क्या क्या नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, माथा टेकते रहते हैं, हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है, तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था, भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे। कल भी कहा ना कि इससे तो विदेशी बच्चे अच्छे हैं, भारतवासी तो एकदम ही पत्थर बुद्धि हो गए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे, अब फिर हमको बैगर टू प्रिंस बनना है, बैगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं मेहनत करो, यह भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव यह याद रखो हम जा रहे हैं, हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, नैया उस पार जानी है। गाते हैं ना नैया हमारी पार ले जाओ, कब पार जानी है वह जानते नहीं हैं। लंगर उठा हुआ है, यदि लंगर बंधा हुआ है और सिर्फ चप्पू चलाए जा रहे हैं तो नाव पहुंचेगी उस पार नहीं। यदि मन बुद्धि से अभी भी पुरानी दुनिया में रमण कर रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं और कहते हैं कि हम बाबा को याद करते हैं, धारणा नहीं है, खाली मुरली सुन रहे हैं, उस पार पहुंचेंगे। तो मन बुद्धि से उपराम होना है। तो बाबा कहते हैं कि मुख्य है याद की यात्रा, बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए, बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है, तुम तो बड़े हो ही, आत्मा झट जान लेती है, यह बात तो बरोबर है, बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं।
मुख्य मुद्दा ही है समाज में कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देती हैं। तो पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं, वह तो बिल्कुल ही जैसे रौ रौ नरक में पड़े हैं। रौ रौ रो रहे हैं, रौ माना आवाज, हर तरफ से रोने की आवाज आ रही है, चीत्कार, पीड़ा। और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं, इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, हम गिरने की मार्जिन भी खत्म हो गई है, लेकिन मनुष्य क्या है, जैसे कि पुरातत्व विभाग में काम करते हैं, एक्सपर्ट हैं, खोदे ही जा रहे हैं अपने लिए गड्ढा, और नीचे नीचे गड्ढा बनाते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे में कैसे होगी बाप से प्रीत बुद्धि? विनाशकाली विपरीत बुद्धि है ना, बाप आते ही हैं प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत हैं जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, भगवान का नाम सुनने ही नहीं चाहते, कहते हम ही भगवान हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने में, कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, शिव बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ होगा तो फट से निकलेगा, ओ माई गॉड, ओ एम जी, वो फिर कौन से गॉड को याद कर रहे हो? ये सब क्या है, माया का ग्रहण है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, यह भी जानते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है, सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं, राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, यह तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा यह बनते हैं, त्रेता वाला राम। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाबा के आने से देखो उत्थान होता है, बाकी सब आते हैं, धीरे धीरे हम पतन की ओर आते जाते हैं, ये तो रात दिन का फर्क है। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रोंग लिख दिया है, आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते हैं, बच्चे इन बातों को भूलो मत, या कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं, ज्ञान योग भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, कोई जानवर का बच्चा हो ना, वो भी अपने बाप को नहीं भूलता है, तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो, देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी टेव रखनी चाहिए, आदत पड़ जाए, सदा याद रहे क्या कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा बाप है। बाबा कहते हैं, भपके से बात करनी चाहिए, भपके से, अथॉरिटी से बताओ, ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ, उनके ही प्रभाव में आ जाओ, डर जाओ। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो, तो तुम्हें निडर हो समझाना है। दिखाया ना कि भीष्म पितामह को बाण मारे, तो बाबा कहते हैं, ये क्या है, तुम्हारी यादगार है ना कि बड़े बड़े विद्वान पंडित साधु सन्यासी पवित्र रहने वाले जो भी हैं, उनको तुम बच्चियां जाकर, तुम ब्रह्मा कुमारियां जाकर निडरता से समझाती हो, तो निडर होकर समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली बात है, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है, हम हैं रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे आज, किसी भी बड़े आदमी के सामने
निर्भयता से बात करनी है, भपके से बात करो, निर्भयता से, निडरता से, फंक नहीं होना है, देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। मैं आत्मा अपनी इन कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए और बाबा को याद करना है और फिर समझाना है। वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भाव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भाव। बाबा कहते हैं महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। व्यर्थ व माया से जो अनजान है तो वही पवित्र आत्मा है, सेंट है, साधु आत्मा है, महान आत्मा है। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे अपने, ऐसे वही संस्कार इमर्ज करो, देवताई संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। देवताएं तो सब समर्थ आत्माएं ना, समर्थ थे, व्यर्थ का उन्हें कुछ भी पता नहीं, व्यर्थ से परे थे। तो बाबा कहते हैं वैसे ही अपने देवताई संस्कार इमर्ज करो। क्यों? क्योंकि व्यर्थ आते ही आप जोश में आ जाते हो, और जोश में आते हो तो सत्यता का, यथार्थता का होश जो है वो खत्म हो जाता है, भूल जाते हो कि मैं कौन, मेरा कौन, और क्या सत्य ज्ञान है, क्या सत्य बात है, ये जोश में आप भूल जाते हो। इसलिए क्या करना है, समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनना है। तो समय वेस्ट नहीं करना, एक भी सांस बिना बाबा की याद के है मतलब वेस्ट है, व्यर्थ है। फालतू के बोल नहीं बोलना, एक्स्ट्रा बोल नहीं बोलना, कड़वे बोल नहीं बोलना, और कर्म कोई भी व्यर्थ कर्म विकारों के अधीन होकर विकर्म करने ही नहीं है, सबसे इनोसेंट बन जाना। ये सब क्या होता है, फालतू व्यर्थ हमें पता ही नहीं है, हमारी डिक्शनरी में व्यर्थ शब्द ही नहीं है। बाबा कहते जब ऐसे अविद्या होगी व्यर्थ की, व्यर्थ से, तब अपनी आप दिव्यता अनुभव होगी और अनुभव कराएगी, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्यर्थ माइनस हो गया मतलब आप दिव्य हो, तो खुद भी हल्के रहेंगे, खुद भी अच्छे अनुभव करेंगे और वायुमंडल भी वैसा बनाएंगे, तो अन्य आत्माओं को भी अपने आप अनुभव होगा, उन्हें भी लगेगा जैसे कि ये अल्लाह लोक हैं, पता नहीं कौन से लोक से पधारे हैं, एलियन कहते हैं ना दुनिया में, तो जो कौन से ग्रह के प्राणी हम नहीं जानते, तो उनको लगेगा ऐसे कलयुगी दुनिया में ऐसी आत्माएं भी हैं, देवता जैसी आत्माएं। तो फिर इस तरह का अनुभव करना और कराना है अल्लाह लोक। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो क्या करें। ब्रह्मा बाबा आए फर्स्ट नंबर अव्वल, तो फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमें करना है, फॉलो फादर बनना है, ब्रह्माचारी। तो क्या बनना है, क्या करना है, पहली बात योग व ज्ञान धन से संपन्न होना है, दूसरा एक बाप से ही प्रीत बुद्धि हो, तीसरा निर्भयता से सेवा करनी है, और चौथा व्यर्थ से इनोसेंट होना है, और पांचवा फॉलो फादर करना है। कोई भी कर्म करें तो सोचें कि इस समय बाबा होते तो ये कर्म कैसे करते, कैसे बोलते, कैसे सोचते, तो अपने आप अटेंशन रहेगा अपने संकल्प, बोल और कर्म पर। ओम
शांति। Thank you.